नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि घर के बुजुर्गों के साथ अक्सर रवैया क्यों बदल जाता है? आपके आसपास ऐसे कई परिवार होंगे जहां बुजुर्गों के साथ हिकारत भरा बर्ताव होता है, उन्हें बोझ मानकर दुत्कार दिया जाता है और कई परिवार तो बुजुर्गों को अपनी ही जड़ों से दूर कर देते हैं। वृंदावन की गलियों में ऐसे ही हजारों बेसहारा बुजुर्गों को आपने देखा होगा, मगर एक फिल्म के गीत के ये बोल हम आज फिर दोहराते हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। वृंदावन की इन बेसहारा बुजुर्गों के लिए जीवन की नई रोशनी बनी है प्रोफेसर लक्ष्मी गौतम। मिलिए आज की कड़ी में। सामने बैठी बूढ़ी माँ और बेटी के हाथ में मिठाई की तश्तरी, लड्डू खाने के लिए अम्मा की मनोहार। खा लो, खाओ। माँ की आंखों से बहता आशीर्वाद पत्थर दिल को भी मोम की तरह पिघला दे ये रिश्ता, जिसमें न माँ सगी है न बेटी। हर कौर माँ के दिल की कड़वाहट मिटाने की कोशिश है, वो पीड़ा किसी गैर ने नहीं अपनों ने दी। अपने जाए 5 बेटों बहुओं और 12 नाते पोतों ने दी, लेकिन अब बूढ़ी अम्मा है और साथ है वृंदावन की बेटी। वृंदावन में मेरा जन्म हुआ है, तो यहाँ बचपन से ही मैंने जो बाहर से आई हुई माताएं हैं और विशेषकर उसमें विधवा माताओं की संख्या ज़्यादा है, तो उनको देखा है और उनके प्रति एक भाव रहा है कि ये माताएं इस तरीके से क्यों रहती हैं। समय रहते मुझे इन सब चीज़ों का पता पड़ा और जब मैं इस लायक हुई, इस योग्य हुई कि इन माताओं के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैंने इन माताओं के लिए सुविधाओं का काम करना शुरू किया। बांके बिहारी के भरोसे वृंदावन की गलियों में आसरा ढूंढती न जाने कितनी बूढ़ी औरतें बेसहारा नजर आती हैं, लेकिन उन्हें सहारा मिलता है कनकधारा की लक्ष्मी गौतम से, जिसके लिए माँ सिर्फ माँ है, न विधवा न सधवा, न अपनी न पराई। जहां पता चला वहीं पहुंच गई। पेशे से प्रोफेसर है लेकिन दिल से बेटी, हर माँ की बेटी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जब किसी माँ का अंतिम संस्कार करके मैं लौटती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी किसी को इतनी तसल्ली नहीं होती होगी जो मैं अपने में तसल्ली महसूस करती हूँ कि आज मैंने शायद कुछ किया है, आज का दिन मेरा सार्थक रहा। दो बेटों और एक बेटी की माँ लक्ष्मी आज न जाने कितनी माओं की बेटी है। 3 तो उनके साथ ही रह रही है, वो माए दिन रात सुबकते हुए बिताती है। घर परिवार बेटे सब कुछ होते हुए भी यहाँ रहने को मजबूर रहने वाली इन महिलाओं के लिए ये बेटी किसी मसीहा से कम नहीं है, तो अपने परिवार को याद रखने वाली इन माओं के मुंह से भी आशीर्वाद सिर्फ लक्ष्मी के लिए निकलता है। जो रिश्ता अपना खून नहीं निभा पाया उसका सौटी पर लक्ष्मी खरी उतर रही है, आंसुओं के रिश्तों को फर्ज समझकर पूरा कर रही है। पुरोहित पिता से जो सीखा सास और पति ने उसे सराहा और आज 20 साल हो गए हैं इस काम को करते करते। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया तो प्रधानमंत्री ने भी 7 RCR बुलाकर हिम्मत बढ़ाई। मैंने जब काम करती हूँ या किसी महिला के लिए कोई काम करता तो ये नहीं सोचती कि इसका कोई पुरस्कार मुझे मिलेगा, परंतु जब पुरस्कार की सूचना आती है तो एक खुशी भी मिलती है और वो खुशी इस तरीके की होती है कि प्रेरणा और माताओं को भी मिले और बहनों को भी काम करने की मिले। इसे लक्ष्मी का जुनून कहें या जिंदगी जीने का मूल मंत्र, सपना सिर्फ एक कि फिर किसी माँ के हाथ से अपनों की लाठी न छूटे, फिर किसी कोख में किसी बेटी की सांस न टूटे, फिर किसी माँ को किसी मंदिर के चबूतरे किसी सड़क के किनारे बेटे का इंतजार न करना पड़े, हर बेटी लक्ष्मी जैसी बने। कृष्ण की नगरी वृंदावन में यशोदा की ये तस्वीर देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। पुरानी पीढ़ी को सहेजने का काम लक्ष्मी गौतम कर रही है, तो नई पीढ़ी को कैसे संवारा जाए इसकी तैयारी कर रही है निधि गुप्ता। IAS टॉपर में 3री जगह बनाने वाली इस बेटी से आपको मिलवाएंगे कल के एपिसोड में। बस आप देखते रहिए आपके बरस मोहे विद्या ही दीजिए।